नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक साधक के जीवन में सकारात्मक विचारधारा का कितना बड़ा महत्व है। एक साधक हो, चाहे योग साधना करता हो, चाहे तंत्र साधना करता हो, चाहे ध्यान साधना करता है, कुंडलनी जागरण साधना करता है, या किसी भी प्रकार का सात्विक तामसिक राजसिक कैसी भी साधना करता है, तो उसका जो सबसे पहला काम है कि साधक के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर सकारात्मकता के गुण पाए जाना चाहिए। अगर आपके अंदर निगेटिविटी रहेगी, आप नकारात्मकता से भरे रहोगे, तो आपकी साधना कभी भी सफल नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं, कोई भी साधना करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई आध्यात्मिक शक्ति की साधना कर रहा है, सब साधना जो भी प्रयास है सब साधना है। तो जो भी साधना है, जो भी प्रयास है, उसकी सफलता का राज सबसे पहले अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तभी जाकर के सफल हो सकता है। तो मैं जो बातें बोलता हूं उस पर कई लोग इस प्रकार से कमेंट कर देते हैं, तो बुरा लगता है थोड़ा हम लोग को कि इतनी मेहनत करते हैं और मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करता, अपने जीवन में धारण की हुई बातें आप लोग के समक्ष बोलता हूं। तो ये अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो शास्त्रोक्त बात है, साधना का जो सबसे पहला चरण है वो होता है विलीव। चाहे वो धार्मिक साधना हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक साधना हो, चाहे आपकी लौकिक साधना हो, चाहे पारलौकिक साधना हो, जो भी आपको वस्तु चाहिए, सबसे पहले उसमें बिलीव करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा और बिलीव करना पड़ेगा। जब आप उस साधना को करते हो तब जाकर के आप उसको समझ पाते इसमें क्या गुण है। जैसे मान लो कोई एक विद्यार्थी है, स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा है, उसे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, इस प्रकार से हम टीचर बच्चे को बताता है, बच्चा बिलीव कर लेता है। लेकिन जब आगे जाता है तब उसे पता चलता है ये कैसा क्या कंसेप्ट है। जो सूत्र बचपन में टीचर पढ़ाते हैं उस समय तो हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन आगे चल को क्लियर हो जाता है जब हम उस विषय में गहराई में चले जाते हैं। पहले तो बच्चा बिलीव ही करता है ना, मास्टर से इसे थोड़ा पूछता है, टीचर से थोड़ा पूछता है कि 2 × 2 = 4 कैसे होगा। तो उसी प्रकार साधना है, अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो, किसी को आप अपना मोटिवेशनल स्पीकर मानते हो, किसी को आप अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हो, स्पिरिचुअल गुरु मानते हो, सबसे पहले उसकी बातों पर विश्वास तो करना पड़ेगा। आप आगे कुछ दिन कीजिए, अगर आपको उस पर नहीं विश्वास होता छोड़ सकते हो, यहां तो है नहीं कोई रजिस्ट्रेशन की हो, कोई फीस भरे हो, लेकिन आप कभी भी किसी के साथ जुड़ो पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप विश्वास से 2 महीना 4 महीना उसके साथ समय गुजारिए, चाहे वो आपको फिजिकल मिले या उसके वीडियो देखते हो, पहले तो उसको आप कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा ना। आप अगर 1-2 महीने का समय उसको नहीं दोगे, उसकी जो बातें बताएगी उसको नहीं करोगे, आप वीडियो देखते सुनते आप बता दोगे सब कोरी कल्पना है, तो आपके लिए कोरी कल्पना हो सकती है, क्योंकि आपने पहली बात न बिलीव किया, न उस साधना का आपने इस्तेमाल किया, उसने साधना पर काम किया, जो कह रहा है उसका बिलीव भी है और उसने साधना भी किया है, तब कोई बात कह रहा है, हवा हवाई बातों से बात नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले बिलीव रखना जरूरी है। और मेरी बात ध्यान से रखना, अपना अगर आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको तरक्की चाहिए, सफलता चाहिए, तो बिलीव होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। नौधा भक्ति में कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रस्तासा। पांचवी भक्ति है कि जाप मंत्रों का और दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र जाप कब काम करेगा, जब आपका दृढ़ विश्वास होगा। इसी प्रकार से किसी काम में आपको जब पूर्ण बिलीव है, पूर्ण विश्वास है, तब जाकर के आपको किसी कार्य में सफलता मिलेगी। इसीलिए साधना में बिलीव होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, सकारात्मकता जरूरी है, तब जाकर के आपकी साधना प्रफुल्लित होगी, फलेगी फूलेगी। तुमको विश्वास है या चर्चा समझ में आएगी, जो एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।